इस तरीके से हम अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू को, ये देखो पूरे पैर भी कवर हो गए इसमें आराम से। ये 3 नंबर और 2 नंबर लड्डू को भी आ जाएगी। अब आप अपने लड्डू के हिसाब से बना लीजिएगा। ये मैंने अपने लड्डू की एक छोटी सी कैप भी बनाई है। सर्दी शुरू होने वाली है, बनाएंगे 3 नंबर लड्डू की न्यू ड्रेस, देखिए कैसे बनती है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत इजी और बहुत आसान ड्रेस है, इसे कोई भी जिसने कभी ड्रेस नहीं बनाई वो भी बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, ये है 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने टोटल 7 चैन बनाई है। हम 2 स्किप करेंगे, 7 चैन बनाकर हमने 2 स्किप किए, हमारे 2 फंदे तैयार हो गए। और ये हमारे 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एक पट्टी बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्न करेंगे। इसमें नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे। बिल्कुल सीधी पट्टी बनाते हैं। टर्न करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी 5 रो कंप्लीट हुई। अब हम यहां पर कटिंग करेंगे। ये हमारी पट्टी तैयार हुई। अब क्या करना है आगे, चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। अब हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ये हमने 30 चैन ले लिए। 1, 2, 2 एक्स्ट्रा, इस 2 को स्किप करके 1, 2, 3, 3 स्किप करके हम फोर्थ वाले में बनाएंगे। ये हो गए हमारे 2 फंदे तैयार, 1, 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऐसे ही बुनते चले जाना है पूरा इस तरीके से, एक के ऊपर एक बनाते जाएंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल के नीचे की चोली बना रहे हैं हम। सीधी पट्टी वाली ड्रेस बनाएंगे आज हम, जिसे कोई भी बना सके, अपने कान्हा जी के लिए, अपने लड्डू के लिए कोई भी बना सकता है। जिसको नहीं आती वो भी बना के अपने लड्डू को कपड़े पहना सकता है अपने हाथों के। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने एक एक फंदा सब में एक एक बार बुना और हमारी सीधी पट्टी तैयार होगी। एक सीधी पट्टी हमारी ये हो गई और एक सीधी पट्टी हमारी ये हो गई। अब हम टर्न करेंगे, टर्न करके हम बुनेंगे। एक आगे से बुनेंगे उठा के और एक पीछे से इस तरीके से, फिर आगे से उठाया ऐसे। देखिए ध्यान से गाइस,
ऐसे करेंगे हम, एक पीछे से उठाएंगे इस तरीके से, बीच में से निकालना है, फिर एक आगे से इस तरीके से, इस तरीके से बनाएंगे हम, एक इस तरीके से, इस तरीके से हम बुनेंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे। एक बार फिर लेंगे हम ऐसे ही, जो हमने आगे किया था उसको आगे से ही लेंगे, और ये हमारा पीछे से है तो हम इसको पीछे से ही लेंगे। ठीक है गाइस, इसको आगे से लेंगे, ये पीछे से है तो इसको, ये आगे से है, नवरात्रि के कीर्तन चल रहे हैं गाइस, आपको आवाज आ रही होगी, नवरात्रि चल रहे हैं, सब लोग कीर्तन करवाते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं, हमें आगे क्या करना है, हमें एक ही चैन के अंदर हमने चार बार बुना है इस तरीके से। एक चैन हमारी ये हो गई स्टार्टिंग की, 1 2 3 4, ये फोर चैन हो गई हमारी। देखिए अब हमें एक ही चैन के अंदर किया, अब हम अगली चैन में करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4, इस तरीके से हम, देखिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, हमने एक चैन के अंदर ही चार बार करना है, एक फूल सा बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से करिए 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, इस तरीके से हम हर एक चैन में फोर बार बुनते रहेंगे। हम इसको हम लॉक करेंगे, यहां से कटिंग करेंगे, इस तरीके से हमारी ये तैयार हो गई। ये पट्टी हमें बिल्कुल ऐसे बीच में लगानी है, शायद दिख नहीं रहा मुझे लगता है, इस तरीके से पहले हम ये हमारी कमर हो गई,
यहाँ पे बिल्कुल बीच में हमें अपनी इस पट्टी को इस तरीके से रखते जाना है। इस तरीके से हमारी बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। हम यहाँ पर एक डोरी लगाएंगे। चलो गाइस डोरी बनाते हैं ऊपर से और यहाँ से हम सी लेंगे। पहले इसको हम सिलाई कर देंगे। सिलने के बाद हम यहाँ डोरी लगाते हैं। देखिए गाइस इस तरीके से हमने अपनी पट्टी जोड़ लिया है। सुई धागे से जोड़ो चाहे आप सिलाई मशीन से जोड़ लो, मैंने सुई धागे से जोड़ी है और आप भी अपना ऐसे जोड़ लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे डोरी बनाएंगे। 1 2 3 1 2 ये हमारा स्पेस है बीच में। वन टू ये हमारे टू हो गए। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब हम उसको आपस में मिला देंगे। इस तरीके से फूल बन जाएगा हमारा। 1 2 3 हमें इसे ज्वाइंट करना है। इस तरीके से ऐसे ही हम एक इस तरीके से एक फूल इधर बनाएंगे। जितनी डोरी आपको चाहिए आप देख लीजिएगा। इस तरीके से नाप लीजिएगा आपको कितनी डोरी चाहिए। मैं थोड़ी सी और बनाऊंगी। मुझे लगता है बहुत रहेगी। ठीक है इनफ है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। लाओ इस तरीके से हमें एक फूल हमने यहाँ बनाया और हमने एक यहाँ बनाया। ये हमारी पट्टी हम यहाँ से इसे कटिंग करेंगे। हमने लॉक करा और बाकी का हम जो हमारा धागा बच गया उसको हम वापिस इस तरीके से बाहर खींच लेंगे। ये हमारी
खाना जी की डोरी जिसे हम गले में ऐसे करके बांधेंगे इस तरीके से। मैं आपको पहना के दिखाऊंगी। ये हमारी डोरी कंप्लीट होगी। अब हमें क्या करना है, लगभग हमारी कान्हा जी की ड्रेस तैयार है। अब हमें एक डोरी यहाँ बनानी है। तो चलिए अब हम इसका पट्टी बनाते हैं, कोर कमर के लिए। 1 2 3 फर्स्ट वाले में डालेंगे, फिर उसके बाद 1 2 फिर बीच में से 10 बार निकालेंगे। एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा इस मेरी ऊन थोड़ी मोटी है तो मैं 9 बार ही लूंगी, क्योंकि मेरी ऊन बहुत मोटी है तो मुझे लगता है इनफ है 9 में। देखो कितना प्यारा बन गया है 9 में। तो अब आप देख लीजिएगा आपकी ऊन पतली हो तो। चलिए गाइस ये हमारा कंप्लीट हुई डोरी। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें से ली थी ऐसे हम इसमें भी लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी डोरी को डालेंगे। और अभी हमें थोड़ी सी डोरी और बनानी है तो हम थोड़ा ये वाला धागा भी लेंगे साथ में, क्योंकि हम उधर से नहीं तोड़ सकते। हमें ऐसा फूल बनाना है जो हमारा इधर आके ही बनेगा। इस तरीके से हमारी इधर की डोरी होगी। अब हम इधर की कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेन बार लेंगे इसके अंदर से ही। एक चैन मेरी होगी थी, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा इस मेरी 9th में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मेरी ऊन थोड़ी मोटी है। आप अपनी ऊन देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे यहां से। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसमें दबा देंगे अंदर, बाकी की कटिंग कर देंगे। इसको हम बाहर की ओर से ले लेंगे ऐसे। ये हमारा इस तरीके से हमारी एक छोटी सी क्यूट सी ड्रेस, बहुत ही क्यूट सी ड्रेस तैयार हो गई। ये हमारी गले की पट्टी होगी, ये हमारी कमर की होगी। जितना आपको टाइट करना हो अपने कमर लड्डू की, उसको हिसाब से कर लीजिएगा इस तरीके से। ये कमर होगी, ये हमारी चोली होगी। सर्दी शुरू होने वाली है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू को, और ठंड से बचाइए। राधे राधे।